नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। राजधानी लखनऊ स्थित पीडब्ल्यूडी के विश्व सरैया सभागार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती के अवसर पर लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सम्मेलन की शुरुआत की। इस सम्मेलन के मौके पर उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी और लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया के साथ साथ बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लोकतंत्र में लोकतंत्र सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। तो बाहर जब दूसरा रास्ता बता दिया था, बजाय मेरे घर का सुबह की गड़बड़ आया इमरजेंसी वाला, तो दूसरे के घर का रास्ता बता दिया। और वो जब वहां से भटक का आया तो उनको लगा कि यहाँ पर आए तो ये घर से भाग गए, तो उन्होंने उनके घर पे ही अटैक करा और उनको इस रूप में उठा ले गई। वही थोड़ी दूर पे केदारनाथ श्रीवास्तव रहते थे वकील साहब, उनको उठा ले गई। आज पूरे प्रदेश से लोग आए थे और निश्चित रूप में जो 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित की गई थी, उसने उत्तर प्रदेश में खास तौर से लोकतंत्र के जो परंपराएं थी उनका न केवल हनन किया था, सैकड़ों लोगों को फर्जी मुकदमे में बंद कर देना, लोगों की नसबंदी करा देना, लोगों को जबरन नसबंदी कराना और साथ साथ इस प्रकार की केसेस लगाना कि कई कई साल तक वो जेल में पड़े रहें। सारी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो व्यवसायी हो, किसान हो, सबकी स्वतंत्रता पर एक प्रकार से एक कुठाराघात हुआ था। आज पूरे प्रदेश में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही 5,000 रुपया जो उनको पेंशन मिलता था उसको पहले बढ़ाया है। आज लोकतंत्र सेनानियों ने अपना कुछ बातें रखी हैं और निश्चित रूप में हम उनके संगठन के साथ बैठ कर सरकार के स्तर पर उनको और हम क्या उनके बारे में विचार कर सकते हैं, इस पर निर्णय करेंगे। प्राइम टीवी की खास खबरों में बस इतना ही। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।